ओम शांति। लोकित में शरीर का नाम हरिराम है। मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। पटियाला मुख्य सेंटर से मुझे रमा दीदी से नामदान मिला, ज्ञान मिला था 3 साल पहले, और जब से ज्ञान में आया हूँ मन में बहुत शांति है। शरीर भी ठीक होता जा रहा है, शरीर के रोग भी ठीक होते जा रहे हैं, चेहरे पर भी निखार आ रहा है, और मानसिक तो बहुत ज़्यादा आराम मिला है। सब परेशानियों से बाबा ने मुझे मुक्त कर दिया है, और परिवार में सारा परिवार ज्ञान में आ गया धीरे धीरे करके, एक एक करके। हमारी बहू रानी की सिस्टर से मुझे इसके बारे में पता चला था, उसके बाद में पटियाला के मुख्य सेंटर से रमा दीदी से मुझे ज्ञान मिला। और ज्ञान में आने के बाद शरीर भी ठीक है और मन भी ठीक है, बहुत खुशी रहती है, हर वक्त मन खुश रहता है, चेहरे पर भी खुशी रहती है। सभी कहते हैं भी आपके चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा निखार आ गया, और निखार का कारण ही यह है कि बाबा ने बेफिक्र कर दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया। अब कुछ दिन पहले सेवा पे गए थे इधर माउंट आबू, तो यहाँ भी मैं योग पे काफ़ी समय देता हूँ, तो माउंट आबू गए तो वहाँ पर पहली बार गया था, तो कुछ घूमने टाइम फिरने में टाइम काफ़ी लगा दिया, तो योग में कम बैठा गया। तो मेरे मन में एक दिन विचार आ गया कि इससे ज़्यादा जहाँ से ज़्यादा तो मैं पटियाला में ही बैठ जाता था, यहाँ पर आके तो मेरा योग कम हो गया। मैं तो जाने का मकसद था योग मेरा बढ़े और कम हो गया। तो उससे अगले दिन जब मुरली में गया तो मुरली में दीदी मुरली कर रही थी, और मुरली सुनते सुनते मुझे सामने एकदम मेरी एकाग्रता बढ़ गई, और दीदी का चेहरा दिखना गायब हो गया और सूरज दिखना शुरू हो गया, जैसे दीदी की जगह पे सूरज है। और फिर बाद में सूरज के अंदर बाबा का मुख दिखाई दे रहा, और मुझे अनुभव हुआ भी बाबा मुरली सुना रहा है। तब मुझे पूरा एहसास हुआ कि मुझे यहाँ आने का लाभ मिला है। पहले मुझे पछतावा हो रहा था कि यहाँ से ज़्यादा तो मैं वहीं पर कर लेता था अभ्यास, योग अभ्यास, और यहाँ के मेरा घट गया, मेरा जाने का मकसद था अभ्यास बढ़े। और जब मैंने देखा कि ये तो बाबा ने साक्षात्कार ही दे दिया, तो उसके बाद मेरा बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है। मैं सबको यही कहूँगा कि देखो जितना भी हो सके ज्ञान लेकर ज्ञान में चलने से मानसिक और शारीरिक सारे लाभ मिलते हैं। बेफिक्र बादशाह बनना चाहते हो तो मैं सबको यही कहूँगा कि ज्ञान में आ जाओ, और विकारों से विकार भी खत्म होते जा रहे हैं, क्रोध आता ही नहीं। क्रोध को मुझ पर कोई क्रोध करे उस पर भी क्रोध नहीं आता। ये बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने कृपा की है, और मेरा मैसेज सबको यही है कि सभी को यह ज्ञान धारण करना चाहिए।